अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कटलेट्स जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होते हैं। खाने में एकदम सॉफ्ट होते हैं, मुंह में जाकर जैसे घुल से जाते हैं। तो आज हम रशियन कटलेट्स बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। इफ्तार में बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए ये मज़ेदार से कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में डाल देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन और इसमें डाल देंगे हाफ कप पानी और अब इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे लहसुन का पेस्ट और अब इसमें लिड लगा देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पे एक प्रेशर आने देंगे, एक प्रेशर आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। प्रेशर को खुद से रिलीज होने दिया है, इसकी लीड हटा लेंगे और इसमें जो चिकन स्टॉक है इसको हम निकाल लेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। तो सारी पीसेस निकाल के हम इनको ठंडी कर लेंगे और इनको हम श्रेड कर लेंगे। इधर मैंने ले लिया है पैन, पैन में डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल में हम शामिल करेंगे 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, ये है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ये एक गाजर थी तो मैंने इसको भी ग्रेट कर लिया है और इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये सब्जियाँ स्टर फ्राई हो जाएंगी तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी हम भून लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन स्टॉक, ये वही चिकन स्टॉक है जो चिकन बॉयल करने के टाइम चिकन से हमने निकाल लिया था। और अगर आपके चिकन में स्टॉक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें 1/3 कप के करीब दूध शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे ये श्रेड किया हुआ चिकन जो हमने श्रेड करके रख लिया था, ये इसमें हम डाल देंगे। और इस पॉइंट पे आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, 2 आलू ले लीजिए बॉयल करके कद्दूकस में ग्रेट करके और इसमें शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं डालूँगी, ये है 2 मीडियम साइज का प्याज था तो मैंने इसको बारीक काट लिया है और इसको भी शामिल करेंगे हम। और अब डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि नमक हम पहले भी चिकन में डाल चुके हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुली होकर डालिएगा। और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर और शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा जब ही हम इसके कटलेट बनाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और एक चुटकी नमक डाल सकते हैं, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इधर मैंने सेवैयाँ ले ली हैं, ये वही सेवैयाँ हैं जो 0 नंबर की होती हैं, जो रशियन कटलेट बनते हैं इसी सेवैयों से बनते हैं। तो हम मिक्सर ले लेंगे अपना और इसको शेप देंगे ओवल का, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं अपने मनपसंद। इस तरह से हम बना लेंगे इनको और इसको अंडे में डिप करेंगे और इस तरह से डिप करने के बाद अब इस कटलेट को हम रखेंगे सेवैयों पर, इस तरह से सेवैयों से इसको कोट करेंगे। अगर आपके पास ये सेवैयाँ नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ब्रेड क्रम से भी बना सकते हैं और इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे, अच्छे से चिपकाएंगे। तो इस तरह से हम सारे रशियन कटलेट बना लेंगे। इतने मिक्सचर में 14 से 15 रशियन कटलेट बन के तैयार हो जाते हैं और इनको आप फ्रीज में रख दीजिएगा, थोड़ा सा स्टिफ हो जाएंगे, उसके बाद किसी भी जिप्लॉक बैग में रख दीजिएगा, एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिएगा और ये 15 से 20 दिन चल जाएंगे। और जब बनाना हो आप निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद फौरन बाद बना लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। तो इधर मैंने तेल को गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे गरम करिएगा और इस तरह से जब प्रॉपर गरम हो जाए तो एक एक कटलेट इसमें ड्रॉप कर दीजिएगा। सारी चीज़ें हमारी कुक हैं तो ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाने तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, गोल्डन गोल्डन, इस तरह से हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। कितने शानदार हैं ये कटलेट्स, मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो इस तरह से सारे जितने भी कटलेट्स बना के मैंने रेडी किए हैं इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे उनको।
तो इस तरह से हमारे बहुत ही हेल्दी कटलेट्स बनकर तैयार हैं। इसमें हम काफी सारी सब्जियां यूज करते हैं, चिकन यूज करते हैं और टेस्ट भी इनका लाजवाब होता है और अंदर से भी ये एकदम सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही जबरदस्त कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझको ज़रूर बताइएगा आपके कटलेट्स कैसे बने। रेसिपी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।